तो गाइस या वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशु बिश्केक द ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले हैं भाई अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में अपने आर्मर को अपग्रेड करने के लिए। लास्ट वाले एपिसोड में सारे कमेंट ये थे कि भाई अपने आर्मर को कम से कम अपग्रेड तो कर लो भाई, इतने ज्यादा एडवांस हो चुका है वर्ल्ड, बट हम लोगों का आर्मर अभी भी डायमंड का आर्मर है। प्लस हम लोग आज इसको बनाने वाले एकदम नेक्स्ट लेवल, मतलब ऐसा आर्मर तुम लोगों ने कहीं देखा ही नहीं होगा। अब मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में। तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो, 100 के लाइक का गोल है। जो भी नए थे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो भाई, 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा काम करने में। बाकी चलो चलते हैं फटाफट से और दिखाता हूँ तुम्हें मेरा अनोखा आर्मर। तो एक और दिन गाइस हम लोग एकदम अजीब सी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि सही बताओ तो पता नहीं कहाँ पर है, ऐसा लग रहा होगा तुम लोगों को। और एक और चीज भाई, मैंने एक चीज देखी जो 1.2 है ना, उसमें तुम्हारा आर्मर, जैसे मेरा आर्मर एन्चांटेड और फुल्ली मैक्स एकदम क्रेजी एन्चांटेड है, ठीक है। इसमें बस डेप्थ स्ट्राइडर 1 है, उसको 3 करूंगा मैं, रुको जरा बनाते हैं उसका भी काम करते हैं। बट देखो बाकी सारी चीज़ें तुम देखो ना, एकदम मैक्स एकदम बढ़िया है। मेरे को अपनी चेस्ट प्लेट ढूंढनी है बस, जो मैंने बना रखी थी, बट फिर मैंने लाइट्रा पहनी तो फिर मैंने वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइक उसमें डाल दी होगी गलती से, शुल्कर या किसी में, तो वो तो हम लोग कर लेंगे। बट ये देखो भाई, यहाँ पर ना आर्मर जो है तुम लोगों को इतना ज़्यादा चमकता नहीं है अब देखा जाए तो, ठीक है। बाकी तुम लोग सोच रहे हो भाई फ्लिमटुम भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और ये क्या हो रहा था अभी। तो फ्लिमटुम भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं तुम लोग अगर सोच रहे हो तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है और जैक जैसे को गुब्बारा काफी। तो ये देखो यहाँ पर मैं जमा कर रहा था थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं वो जितना भी गन पाउडर होता है, गन पाउडर में जमा कर रहा था। वैसे तो अपने पास काफ़ी होना चाहिए यहाँ पे ऑलरेडी, देखो अपने पास गन पाउडर की कमी थोड़ी ना है भाई, ठीक है। और भी अभी आने में देख रहे हो कितने सारे हो रहे हैं। तो हम लोग आराम से यहाँ पे नहीं भी तो 2-3 स्टैक तो आराम से बना लेंगे। हम लोगों को बेसिकली 16 चाहिए होगा, 16 नेदरराइट का ओर, मतलब बेसिकली नेदरराइट स्क्रैप चाहिए होगा हम लोगों को 16, ताकि हम लोग 4 नेदरराइट इंगेट बना के अपने पूरे के पूरे आर्मर को बना सकें। क्या कहते हैं उसे नेदरराइट का, वैसे कायदे से सब चीज़ों को भी करना है, तो हम लोगों को कम से कम 4-4 8 चाहिए होंगे एक तरह से भाई, 8 नेदरराइट के, तो 16 32, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया भाई साहब, देखते हैं 32 वाले पे देखते हैं। पहले तो मैं अपनी चेस्ट प्लेट ढूंढूं भाई। गाइस फाइनली मेरे को मिल चुकी है चेस्ट प्लेट भाई, मेरे अंडर चेस्ट के अंदर रखी हुई थी। अच्छा हुआ अंडर चेस्ट में ही रखी हुई थी, वरना भाई अभी ढूंढते रह जाते। तो देखो अभी अपनी चेस्ट प्लेट क्या क्या सीन है, हाँ इसमें भी सब कुछ एकदम प्रॉपर है जैसा अपनी, लाइक मेरे हिसाब से इससे बढ़िया बन ही नहीं सकती ना हम लोगों की चेस्ट प्लेट। लाइक प्रोटेक्शन 4 है, मेंडिंग है, और उसके बाद थॉन्स 3 है, फिर अनब्रेकिंग 3 है। हम लोगों को हमारी चेस्ट प्लेट मिल चुकी है, बट अब आता है मेन चीज जो कि होगा हम लोगों का नेदरराइट, ठीक है। नेदरराइट का कम से कम हम लोगों को इंगेट चाहिए जैक की वजह से हुआ है, मैं मजाक भी नहीं करूंगा। एक दिन मैं अपने वर्ल्ड में ऐसे खेल रहा था भाई स्ट्रीम में, तो मैं ऐसी थोड़ी देर के लिए AFK चले गया भाई, ठीक है। ऐसी मैं AFK गया ना भाई, सुपर चैट आई मेरे को स्ट्रीम पे, मैं वो सुपर चैट पढ़ने लग गया सब कुछ, मैंने हेडसेट उतार रखे जस्ट टॉयलेट से होके आया था भाई, वहां पे एक जॉम्बी ने मुझे मार दिया है। 5-10 मिनट हो चुके हैं मैं स्ट्रीम में बातें कर रहा हूँ लोगों से, मजे ले रहा हूँ लोगों से, और भाई थोड़ी देर बाद चेक करता हूँ मेरा सारा सामान डिस्पॉन, खत्म, गायब, छू मंतर भाई। मजाक से इतना ज्यादा सैड हुआ ना उस दिन, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता कितना ज्यादा भाई। ये काम कर रहा है ना, हाँ काम तो कर, एक मिनट ये ऐसा क्यों हो रहा है, पर ये यहाँ पे खड़ा क्यों है। ओके कभी कभार तो, हाँ यार ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, नहीं यहाँ से क्यों आ रहा है पानी, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा धक्का दे देते हैं, अपना क्या ही है भाई, अपना कुछ नहीं है भाई, कोई बात नहीं चलता इतना, ठीक है। चलो अब हम लोगों को नेदरराइट ढूंढना है, जैसे कि तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है भाई, ये डिच्चिक क्यों हो रही है मेरे को नहीं पता भाई, मेरे से गाइस पता नहीं यार, ये कभी कभार ना ये इलाइट्रा की वजह से होता है कभी कभी, वो तो खैर छोड़ो। अभी हम लोग क्या करते हैं, जितना गन पाउडर, यार कूड़ा देखो ना कूड़ा भाई, इन्वेंटरी में कितना कूड़ा लेके चलता हूँ मैं यार। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने वो बनाया था ना पूरा का पूरा, उसकी वजह से हुआ है ये। ऑब्सीडियन भी क्या ही चाहिए होगा हम लोगों को, रॉकेट्स तो भाई कब जरूरत पड़ जाए, यू नेवर नो। बाकी ओ मेरी बो, नाइस। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, जितना गन पाउडर दिख रहा है सारा का सारा उठाते हैं और सीधे एंड को निकलते हैं। हम लोगों को चाहिए होगा ढेर सारा सैंड, तुम समझ गए कि मैं क्या टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ नेदरराइट ढूंढने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जब अपने पास सामान है सारा का सारा, इतने सारे इतने बड़े बड़े फार्म्स बना के रखे हुए हैं, तो फिर बेवकूफ़ों की तरह अगर मैं पिकैक्स से वहाँ पर नेदरराइट ढूंढ रहा हूँ तो क्या बेवकूफ़ी होगी। सोचो इतने गन पाउडर में 9 ये हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 स्टैक अपने पास गन पाउडर पड़ा हुआ है, शायद से 4 स्टैक गन पाउडर में 1 स्टैक TNT बन जाएंगे, राइट। तो अपने पास 16 पड़ा हुआ है सोचो, तो हम लोग आराम से कहीं भी नहीं तो मोटा मोटा मान के चलो
रुक जाओ, नहीं 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 जाना मत। हाँ तो कहीं भी नहीं तो मान के चलो मोटा मोटा हम लोग 4 स्टैक टीएनटी बना सकते हैं यार। मेरे को लगता है 4 स्टैक टीएनटी में एटलीस्ट नहीं भी तो 16 तो ढूंढ सकते हैं, एटलीस्ट अपना आर्मर हो जाए ठीक है एकदम मैक्स, जो तुम लोग चाहते हो देखना, जो कि अपना सीधी सी बात है प्रॉपर फुल्ली नेदरराइट एन्चांटेड। बट मैं तुम्हें खाली नेदरराइट एन्चांटेड नहीं दिखाऊंगा, अगर तुम लोगों को पता होगा तो भाई एक बहुत ही ज़्यादा कूल चीज़ आई है 1.2 में, जो कि तुम लोगों को आई गेस पता है सभी लोगों को, वो आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि होगा हमारे आर्मर को डिज़ाइन भी देंगे एकदम क्रेजी सा। वो तो खैर बात की बात है, पहले हम लोग जल्दी से जाते हैं एंड में जाके लेके आते हैं अपने लिए भाई अनलिमिटेड जो हमारे पास सैंड पड़ी हुई है उसमें सैंड लेके आते हैं। लाइक एक स्टैक टीएनटी के लिए 5 स्टैक सैंड लगती है राइट, तो हम लोग को 4 स्टैक के लिए 20 स्टैक लगेगी सैंड। वापिस जाता हूँ, एक सुलकर बॉक्स लेके आता हूँ ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा गाइस, एक शुल्कर चेस तो लेके आना पड़ेगा मेरे को लेजेंड। चलो अपने पास खाली शुल्कर यस पड़ा हुआ है एक, चलो दो ले लेते हैं ठीक है, दो ले लेते हैं और ये वाला टीएनटी भी उठा लेते हैं। यार थोड़ी देर और एफके खड़ा होता ना मैं पता नहीं क्यों यार मैं एक घंटा वर्ल्ड में था बट मैंने गलती से यार वो कर दिया लाइक काट दिया था या कुछ तो कर दिया था मेरे को पता नहीं है, बट मैंने कुछ तो गलती करी थी यार उसकी वजह से मेरे को दिखा नहीं कि ये क्या सीन हुआ यहाँ पे, लेकिन बहुत ही गंदा सीन हो गया। अभी चलो फटाफट चलते हैं, मैंने फॉग भी ऑफ नहीं कर रखा है यार, फॉग दिख रहा चाहता हूँ कुछ नज़र नहीं आ रहा मजाक से हट के, पूरा अंधेरा यार। ये कितना कूल ट्रांसफॉर्म किया था, मेरा एक मन था बस इस ये जितना दिख रहा है ना पिलर विलर ये सबको हटा के यहाँ पे एक ड्रैगन माउथ लगाना ऊपर की साइड को, क्या कूल होगा सोचो, ड्रैगन माउथ लगा हुआ ऐसे और वो ड्रैगन माउथ के अंदर हम लोग जाते ताकि हम लोग एंड में जा सके भाई, बहुत ज़्यादा मस्त लगेगा भाई। वो तो हम लोग खैर कर देंगे बट अभी के लिए हम लोग लेने आए हुए सैंड, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ करेंगे, हम लोग ये सारा सामान जितना भी है शुल्कर को छोड़ के ये सारा का सारा हम लोग इस वाले में डाल देंगे और अब हम लोगों को अपनी इन्वेंटरी में भर लेना है सैंड। आई थिंक इतने सैंड से अपना काम बन जाना चाहिए बट कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं जितना भी सैंड है ना उसको भाई सैंड और आने में मजाक से हट के भाई ये बहुत सही चीज़ बनाई थी भाई, और मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा मैं इसमें मुश्किल से आधा घंटा एक घंटा दो घंटा या एक्चुअली 4-5 घंटे में एफके हुआ था इसमें, बट ये बहुत सही काम कर रहा था भाई। मैं तो सबको बोलूंगा अगर तुम लोगों को सैंड की कभी प्रॉब्लम होती ना भाई सैंड ड्यूपर बनाओ, एक बार बनाओ बस खत्म कहानी भाई, तुम्हें दोबारा कभी सैंड की कमी महसूस नहीं होने देगा ये सैंड ड्यूपर भाई, मैं तो इतना मानता हूं भाई। सैंड ड्यूपर अभी तक का आई गेस सबसे ज़्यादा पावरफुल जो मैंने देखा है ना मशीन वो था भाई। और बाकी एक मिनट रुको मेरी थोड़ी सी ये इसकी एचपी कम है ना, इसकी एचपी फुल करके आता हूं रुको भाई, मेरा ये वर्ल्ड तो मेरा नेक्स्ट लेवल है यार, इसमें सब है मेरा सब। ये लो खत्म भाई, मैंने सोचा आया ही हूं तो एक बार ही क्यों ना अपना थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा ही लेता, 110 लेवल कर देते क्या ही जाता है राइट। तो चलो अभी हम लोगों ने सारा का सारा सामान ले लिया है, अब सीधे निकलते हैं। चलो 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 ओए भाई मेरे को लगे ये क्या हुआ, मेरा राइट क्लिक क्यों नहीं काम कर रहा है, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। अभी जाते वॉइड में और फुल मजे हो जाते, मौज करके आ जाते वॉइड से थोड़ी देर हैं, इतना सामान खाली फालतू का जमा वमा करके सब साफ हैं जी, कोई परेशान है मुझसे गुस्सा हुआ आप, कोई बात नहीं हो लो। चलो अब हम लोग जाएंगे गाइस मस्त करके नेदर में और जाके अपने लेके आते हैं 16। रुको एक काम करते हैं ना, नेदर में जाने से पहले बना लेते हैं इसका जरा पहले ना गन पाउडर एंड पाउडर बना लेते हैं, मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील तो पड़ा ही है। चलो बढ़िया, अपने पास बो भी है, बो में है शायद से नहीं है, ओके मेरे को लगता फ्लेम है अपनी बो में बट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सारा का सारा ये निकाल लेते हैं कि गन पाउडर अपने पास वैसे भी कम है, फिर सारा का सारा ये निकाल देते हैं। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटर वाले सारे छोड़ देने हैं ठीक है। ओके उल्टा होता है यार, ये दिक्कत हो गई फिर थोड़ी सी है ना, अगर 5 स्टैक टीएनटी के इसके लगते हैं तो फिर दिक्कत हो गई थोड़ी सी, क्योंकि अपने पास ना गन पाउडर थोड़ा सा कम है। अब मैंने ये गलत काउंट कर दिया टू बी ऑनेस्ट, चलो कोई नहीं जो भी होगा जैसे भी होगा देखा जाएगा ठीक है। ये हो गया, इसको आधा कर देते हैं बीकले, इसको आधा कर देते हैं बीकले बस ठीक है। अब उसके बाद अपना ढेर सारा सैंड दोबारा से निकाल, मेरे को लगता है सैंड ज़्यादा लगता है और टीएनटी कम लगता है, वैसे कायदे से देखा जाए अगर दिमाग लगाएगा आदमी तो कायदे से टीएनटी मतलब गन पाउडर ही ज़्यादा लगना चाहिए, थोड़ा भारी मिस्टेक हो गया है। अपने पास कम से कम नहीं भी तो 3 स्टैक टीएनटी हो चुके हैं और उसके बाद 15 टीएनटी और बच गए, आई थिंक इतना काफ़ी होना चाहिए, बट वैसे कायदे से सही बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा भी कभी कभार लगा है, मैंने देखा है मैंने खुद करा हुआ है ट्राई, तो बहुत ज़्यादा भी लग जाता है कभी कभी, बट ठीक है जैसे भी होगा जो भी होगा देखा जाएगा भाई ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से, इधर तो कुछ नहीं बचा हुआ है ना अपने पास, टीएनटी टूएनटी तो नहीं बचा हुआ है, देख लेते एक बार ही। अपने पास गन पाउडर 1 स्टैक और पड़ा हुआ है यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया, ये हुई ना बात,
कभी कभार छोटी छोटी ऐसे मिल जाती चीज़ें तो थोड़ा मज़ा सा आ जाता है। एक स्टैक गन पाउडर पड़ा हुआ था, दो स्टैक ये भी ले लेते हैं और वापस से अपना क्राफ्टिंग टेबल लगा के एक और TNT को यार यहीं से सर्च करके बना देते हैं। चलो ए जितने बन सकते उतने और TNT बना लेते हैं, ठीक है। ये एक मिनट रुको यार, कैसे बनता था यहाँ पर, हाँ यहाँ पर करना पड़ता था क्लिक, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे होता है, बट ठीक है चलो अभी हो गया अपना काम धंधा। रात भी हो रही है हम लोगों को, क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो वैसे भी नेदर निकल रहे हैं सीधे के सीधे। तो अपने पास 3 stack और 28 TNT और पड़े हुए हैं, तो हम लोग चलते हैं फटाफट से ट्राई करते हैं जाके बनाने का। भाई मेरे को तरह से नहीं लड़ना, मुझे पता है मैं नेदर जाऊँगा फिर तुम्हारे दोस्त मुझे मारना शुरू कर देंगे, जो कि मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। मेरे को नहीं करनी लड़ाई इनसे भाई, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा करते हैं, झुंड में आते हैं और उसके बाद बम बना देते हैं लोग, और है तो सच है तो सच है भाई। चलो हम लोग बेसाल्ट रीजन से दूर रहेंगे और यहाँ की तरफ को चलते हैं, मैं तो बोलता हूँ ठीक है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डीप खोदना स्टार्ट करेंगे। चलो 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 और आगे चलो भाई, मैं तो कह रहा दूर चलते हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोगों को बेसिकली मतलब हम लोगों ने अपने आसपास का काफ़ी ज़्यादा लूट लिया था ना पहले से ही, तो सिंपल सी बात है अब थोड़ा सा दूर जाएंगे तभी तो मिलेगा। यहाँ पर ही करते हैं, थोड़ा निकलो निकलो यहाँ से निकलो निकलो निकलो। ये लोग भाग रहे हैं, ये यहाँ पर फंगस पड़ा हुआ है ना, ये क्या बोलते थे इसको, भूल गया मैं यार, एक बार देख लेते हैं भाई, मैं भूल गया सच्चे में इसको क्या बोलते थे, वॉब्ड फंगस, हाँ फंगस ही तो बोलते हैं। चलो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ को। अरे 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 भाई ये दिख रहा है तो मतलब लावा भी होगा जो कि दिख गया हमें। ले भाई ये आई होप ये बीच में ना हो, ठीक है आज इस होप मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर ये बीच में भी हुआ ना तो भाई हम लोग को बहुत घंटों के घंटों लग जाएंगे नीचे जाने में भाई। चलते रहो, हमें 16 लेवल तक जाना है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं 16 लेवल पे। नहीं 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 ओह भाई, अच्छा हुआ आर्मर भाई है अपने पास प्रोटेक्शन 4 वाला, वरना अभी हो जाता भाई यहीं पे लड़ाई हो जाती मजाक से हट के। लावा से थोड़ा सा इधर को चलते हैं, एक काम करते हैं F3G करते हैं सबसे पहले, तुम्हें पता है ये टेक्निक काफ़ी अच्छी काम करती है। अरे ख़त्म हो जा भाई यार, फायर प्रोटेक्शन वाला लेके आना पड़ेगा भाई, फायर प्रोटेक्शन 4 वाली एक बढ़िया सी वो बनाई जाए ना यार, इधर तो हर जगह लावा ही लावा है गाइस यार, ये तो बड़ी दिक्कत दे देगा। नहीं चलो इस साइड को जाके देखते हैं, पहले तो F3G मैंने दबा रखा है तो मेरे को यस चंक्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ये हम लोग इस तरफ, एक मिनट पहले तो मैं अपना ये हटाऊं और ये लगाऊं। चलो ठीक है, वैसे भी लाइट्रा से हमें कौन सा ही उड़ना है यहाँ पे राइट, तो हम लोग ये कर लेते हैं, इधर को नहीं जा सकते हम भाई, यहाँ तो हर जगह पर दिक्कत है यार, ये तो बहुत प्रॉब्लम देगा, मैं मजाक भी नहीं कर रहा होगा, हर जगह पर हम जाएंगे और वहाँ पर लावा ही लावा निकलेगा तो तुम सोचो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है हम लोगों को। मैं एक सीधा खोदने वाला हूँ, हम लोग एक स्टैक का पूरा यूज़ करेंगे पहले, ठीक है जो अपने पास एक स्टैक TNT है। ओ भाई गॉड, लेट्स गो फ्री में, लेट्स गो, पहला तो फ्री में मिल गया गाइज, भाई मज़ा आ गया कसम से, मेरे को लग रहा था नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट पहला वाला फ्री में मिल गया। चलो अगला चंक जहाँ से कटेगा वहीं पे रोक देंगे बस, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ से अपनी TNT लगाना स्टार्ट करते हैं, दो को छोड़ के एक में TNT लगाएंगे, ऐसी हम लोग पूरे 64 TNTs लगा देंगे, ठीक है। चलो दो छोड़ के दो छोड़ के दो छोड़ के दो छोड़ के, वही वापस कर मेरे TNT भाई, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, दो छोड़ के इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि TNT ईजिली पकड़ लेगा ना अगले वाले को, वैसे कायदे 3 छोड़ के भी लगा सकता हूँ बट फिर वही है कि अगर गलती से भी छूट जाता ना फिर वो पूरी लाइन जो है वो ओके, ये थोड़ा सा डरावना था मुझे, कुछ बहुत गंदी आवाज़ आई बट ठीक है। चलो दो छोड़ के एक 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 दो छोड़ के, अरे ये तो मैं यहाँ पहुँच गया। चलो रेडी, मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, आधे स्टैक TNT हमारे लगे हैं, लेट्स सी हम लोग को आधे स्टैक TNT में कितना मिलता है, भागो भाई। ये देखा, मुझे यही पसंद नहीं है ना, बीच में आग छूट जाती है ना, ओह वो देखो भाई मैंने, अच्छा वो पीछे मुड़ गया, लेट्स गो भाई मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए। अभी ये क्या हुआ, ओके वापस मिल गया, मैंने कहा भाई हेलो ये क्या ग्लिच हुआ कुछ, मेरे को गलत कुछ दिख गया मेरे को कि भाई नहीं है वहाँ पे बट दिख रहा है। चलो चलो चलो, अरे तुम्हें पता नहीं है लगता है तुम्हारा भाई कौन है, भाई मैं हूँ लावा सर्जियन, ठीक है ना, अगर तुम लोग बाई चांस नहीं जानते मुझे तो डरा नहीं मैं, अगर तुम्हें लगा कि मैं डर गया हूँ। ओ भाई साहब मैं लकी हो रहा हूँ, क्या हो रहा है ये, 4 मिल चुका ऑलरेडी, लेट्स गो भाई। जिसको भी नहीं पता है लावा सर्जन है तुम्हारा भाई, ठीक है ना, लावा सर्जन क्या होता है, अगर तुम लाइक जो मेरे एकदम वो है ना भाई बंदे जिनको पता है तुम्हारा भाई कौन है, बिल्कुल एकदम पुराने बंदे जो देख रहे हैं बहुत टाइम से भाई, उनको तो पता है लावा सर्जन क्या होता है, जैसे ये देखो लावा आ चुका है ठीक है बीच में, तो उनको पता होगा लावा सर्जन कौन है, और मेरी सर्विसेज भी है गाइस, ₹25 में मैं आपके सर्वर पे आके, $2500 में नहीं सॉरी $2500 में आके मैं आपके सर्वर में पर आवर
ठीक है, क्योंकि लावा सर्जन बनना बहुत टफ है और इसके लिए बहुत सारे एग्जाम और ये सारी चीज़ें पार करनी पड़ती है, जो कि मैंने करी हुई है। मेरे पास डिप्लोमा है, डिग्री है और उसके बाद मेरे पास एक PhD भी है लावा सर्जन में। तो यस, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी, ओ भाई ये क्या चल रहा है भाई, वो सारी चीज़ें तुम लोगों को करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आप कहीं पर ठीक है लावा सर्जन बनने लायक बनते हैं गाइस। ठीक है, तो मैंने वो सब करा हुआ है, इसलिए मैं इतनी महंगी फीस चार्ज करता हूँ यस आपके वर्ल्ड में आके, आपको जो आपके फंसे हुए, जैसे ये लावा में कभी कभार ऐसा होता है ना, ये लावा जो है ये बहुत ट्रिकी चीज़ है गाइस, ट्रिकी चीज़। तो ये कभी कभार आपके जो वो होते ना क्या कहते हैं, ये देखो एंशिएंट डेब्रिस होती है जो आपकी, वो एंशिएंट डेब्रिस को ना फंसा देता है, तो तुम्हारा भाई उसको आके खुलवा देता है, आप समझ रहे हो। मतलब या आई नो इट्स लाइक मैजिक, बट इट्स नॉट मैजिक, इट्स साइंस। ओके, अबे ये क्या, अच्छा चलो कौन सा है, इसने लावा में जलना है। ठीक है चलो, हम लोग ये सारा का सारा अभी के लिए निकाल देते हैं। तो यस, मैंने आपको सर्विसेज बता दी है, तो मेरे को कमेंट्स में बता देना किसके वर्ल्ड में आके उनके जो फंसे हुए नेदर है, जैसे ये लावा में नेदर फंस गया है, मतलब नेदरराइट इंगेट फंस गया है, नेदरराइट एंशिएंट डेब्रिस फंस गई है बेसिकली, जैसे इस लावा में एंशिएंट डेब्रिस फंस गई, तो मैं जो हूँ एज अ लावा सर्जियन मैं उसे सही कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मुझे पता है ज़्यादातर मेरा काम जितना भी होता है फॉरेन कंट्रीज में होता है, बट या यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत, आजकल इंडिया में भी चल रहा है काफ़ी काम। ठीक है, थोड़ी महंगी सर्विस लगती है लोगों को, बट फिर देखो तो सही कर भी कौन रहा है आगे, द PhD ओके गेम उर्फ लीड भाई, हाँ नहीं तो चलो अभी क्या करते हैं देखो, हम लोग एक बार फिर से ये देखो, देख रहे हो इसीलिए मैं बोल रहा था, हम लोग एक बार पीछे को जाके दोबारा से चेक करते हैं। एज अ लावा सर्जन हमें बताया, हमें सिखाया जाता है प्रॉपर कि आप कैसे काम करिए, जैसे देखो हम लोग कैसे जो चील की निगाहें बोलते हैं ना जिसको, वो है मेरे पास, तुम समझो चील की बारीकी से परखने वाली निगाहें हैं मेरे पास, जिससे मैं बता सकता हूँ कहाँ पर इधर आइए तो तेरे को बताता हूँ, जा तेरा तो, अबे भाई डर नहीं लग रहा, आइयो जरा आना, हाँ हाँ आइयो, आ जा जरा, आ जा आजा। अरे भाई इसने मेरे को हवा में फुटबॉल बना दिया क्या? कौन हो तुम है मित्र, अपना असली चेहरा बताओ। भाई इसने लिटरली मेरा हवा में फुटबॉल बना दिया था। हा! ये ले, दोबारा करेगा तू, दोबारा करेगा इसने, गलत आदमी से पंगे ले लिए बेटे तुम। ओ भाई क्या बचाऊं मैं वहाँ पे, मैं लावा में घुस जाता अभी, और लावा में घुसता तो मरना था इस बार, मैंने मेरे पास HP नहीं थी बिल्कुल। चलो फटाफट चलते हैं, हम लोगों को जाना पड़ेगा आगे को, आई डोंट थिंक सो हम लोग पीछे कुछ भी छोड़ के आए हुए, एक बार रीचेक कर लेते हैं बस। ठीक है, एक बार कन्फर्म कर रहा हूँ बस, साइड से ऐसा एक बार हाथ मार के ना, जस्ट इन केस अगर कुछ ऐसा निकल आए, यू नेवर नो राइट, तो ऐसे एक बार ऐसे हल्का सा हाथ मार देता हूँ मैं बस, ऐसे चैट ऐसे करके। ठीक है चलो, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वापस से जैसे हम लोगों ने अभी करा, इतना बढ़िया हम लोगों को रिजल्ट मिला गाइस, हम लोगों को 16 एंशिएंट डेब्रिस चाहिए थी और ऑलरेडी हम लोगों के पास 10 एंशिएंट डेब्रिस हो चुकी है, तो सेम चीज़ हम लोग करेंगे, हम लोग लिटरली आधे स्टैक में कर दिया हमने ये चीज़, आधे स्टैक में। चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, हम लोग फिर से वही करेंगे, F3G कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। तो ये देखा गाइस, लावा सर्जन हूँ ना, तो मुझे पता है कि कैसे बीट करना है लावा को, मतलब एकदम से आ जाता है तो यू शुड नो। ये देखो, देख रहे हो कैसे मैं एकदम से पीछे हो गया, तुम्हें लगा होगा अरे ये क्या भाई, भाई आप फ्लैश हो क्या, फ्लैश, बट नहीं, जस्ट अनदर रैंडम डूड यार, नथिंग क्रेजी, थोड़ा बहुत मेरे को पता है दिखने का और जैसे काम करता हूँ वैसे मैं लगता हूँ कि सुपर हीरो होगा कोई, बट आई एम जस्ट अनदर डूड लाइक यू गाइज यार, मतलब एकदम नॉर्मल बंदा हूँ यार मैं, खैर फ्लीट आर्मी के बंदे तो नॉर्मल नहीं है, ठीक है वो तो बात ही है खैर हमारी, बट फिर भी मतलब समझ लो ना। चलो जितना दूर तक खोद सकते हैं अभी दोबारा से हम लोग खोदने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोगों को इसके बाद वाला, ठीक है एक्चुअली यहीं पे कर देते हैं चलो। ठीक है, अगला जो भी चंक कटेगा ये रहा, चंक कट रहा है, अब हम लोग यहाँ पर शुरू कर देते हैं यहाँ पर से अपने TNTs को लगाना। ठीक है, तो सेम टेक्निक रखेंगे, दो के बाद एक, दो के बाद एक, दो के बाद एक, दो के बाद एक, चलो चलाते गाइस इनको, भागो पीछे भागो, 3 TNT है भाई, बहुत जोर से बजेंगे, बोला था ना बहुत जोर से बजेंगे। वाओ वाओ, हर जगह लावा ही लावा, लेकिन एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं। ओए ये क्या बदतमीजी है, हेलो तो कैसे टच कर रहे हो भाई, बिना पूछे पूछ के टच करिए आप, हाँ नहीं तो बदतमीज कहीं के। चलो
बढ़िया पूजा यार, कुछ तो मिलो यार, कुछ बढ़िया सा दे दो यार, प्लीज यार, आई जस्ट नीड सम एंशिएंट डेब्रिस यार, कम ऑन यार। है क्या नहीं है, कहीं पे दिख रही है गाइस? मिल सकती है भाई, यू नेवर नो, हो सकता है तुम्हें जमीन के नीचे, पैर के नीचे ही हो, जस्ट समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एंशिएंट डेब्रिस हर जगह है, ये देखो बोला था ना तुमसे, एंशिएंट डेब्रिस हर जगह है, बस सर्जन वाली आंखें चाहिए, समझ रहे हो। चील की परखी का ये देखो, मुझे पता था यहाँ पर है, बिल्कुल पता था, क्योंकि मेरे जो दिमाग है ना उसके अंदर एक डिटेक्टर लगा हुआ है, वो जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि एंशिएंट डेब्रिस का है, तुम समझ रहे हो भाई। चाट के बता देता हूँ कि पत्थर है या नमक, हल्के में तो लेना मत मुझे। चलो एक भी एंशिएंट है भाई, मेरे को लग रहा है मैं पहले वाले में बहुत लक्की हो गया, जब पहली वेन बनाई ना मैंने उसमें मैं हद से ज्यादा लक्की हो गया, क्योंकि उसमें एकदम से मिल गया था मेरे को, अब बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हाँ पहले वाले में मैं थोड़ा लक्की हो गया था भाई, अब बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि वाव गाइस वेन बनाते हुए हमें एक और मिला है। एक बार इसके आसपास थोड़ी सी खुदाई कर देता हूँ, जस्ट इन केस अगर दूसरा भी यहाँ पर आसपास हो, जो कि नहीं है, कोई बात। ला बोला था ना, अरे भाई साहब गाइस यार देख रहे हो, देने वाला जब भी देता देता, अच्छा पड़फाड़ के, थैंक यू। ये हो गया अपने पास 15, लेट्स गो गाइस। मेरे को क्यों लग रहा है कि हम लोग अपना पूरा का पूरा, ये लास्ट है, ये मेरे ख्याल से लास्ट वेन हम लोग खींच रहे हैं, इसके बाद हम लोग को खींचने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा सच्ची में भाई, मेरे को तो लग रहा है हमें वैसे भी जरूरत नहीं है, वो तो मैं भाई ऐसा दिल रख दे रहा हूँ इसका कि ठीक है भाई चल ठीक है यार, लगा देता हूँ तेल भी TNT, बस ऐसे कर रहा हूँ मैं। ये ले दो रख, ओ भाई नो नहीं, एक मिनट, मैं तो सर्जेंट हूँ ना गाइस। देखो अब, देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है, गेम सिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो ये देख रहे हो, वाओ। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई यार ये तो एंशिएंट डेब्रिस गई यार, ये एंशिएंट डेब्रिस कोई नहीं ला सकता भाई, यहीं पर तो तुम्हें चाहिए होता है एक लावा सर्जन, जिसको पता होता है लावा कैसे फ्लो करता है। जैसे ये देखो, मैं इतने पास जाऊँगा लावा के नहीं चलूँगा मैं, क्यों? क्योंकि यार मैं लावा सर्जन, वो देखो लावा में हाथ है मेरा, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देख रहे हो, टच हो रहा है, हल्का सा टच मिल रहा है मुझे लावा का, लेकिन ये देख रहे हो मेरा हाथ जल रहा है, नहीं क्यों? थोड़ी आदत बन जाती है ना यार एक टाइम के बाद, जब आप इतनी प्रैक्टिस में होते हो तो। ये देखो कैसा है मेरे पास खुद ही, ये देख रहे हो, जल्दी आ जा भाई। हेलो, अब देखो जैसे कि हमारी जो, हमारा जो एंशिएंट डेब्रिस है, अब ये मान लो ये आपका एंशिएंट डेब्रिस होता है यही वाला, ठीक है, तो अब आप चिंता में आ जाते हो, आप कहते हो अरे भाई गया मेरा एक एंशिएंट डेब्रिस गया लावा में, अब तो कभी नहीं मिलने वाला ये वो। पर जैसे कि मैं हूँ, मैं एक एक्सपर्ट लावा सर्जन हूँ, तो मुझे पता है कि वो यहाँ आके गिर गया होगा, देख रहे हो आप, इट्स जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव गाइस, मैं हूँ प्रोफेशनल बंदा, ठीक है, तभी तो $2500 पर आवर ले रहा हूँ मैं। अब तुम देख लो भाई रुपीज में जितना भी होता होगा, मेरे को तो याद ही नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब किया था रुपीज में काम, क्योंकि तुम्हें बता ही दिया मैंने, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर तो US, UK और कौन सी कंट्री होती दुनिया में, मतलब ऐसी जगहों से हैं, तो मुझे नहीं पता कि कितने रुपए हो रहे हैं, तो इसलिए फिर तुम्हें समझ ही जाओ यार, तुम लोग समझ रहे हो, तुम छोड़ो यार। चलो मेरे ख्याल से हम लोगों को और जाने की जरूरत नहीं है भाई, अपना 19 हो चुका है, हम लोग अपनी इतने में एक और एंशिएंट डेब्रिस अगर हमें मिल गया तो हम लोग अपनी लेजिट स्वॉर्ड वर्ड भी बना सकते हैं, जो कि हम लोगों को मिल ही जाएगा सही बताऊँ तो, यहाँ कहीं ना कहीं दबा दुबा होगा, नहीं तो जितने हम लोगों ने TNT अभी थोड़े से और बच गए उन TNT को भी फोड़ देंगे तो 2 मिनट का काम है फिर तो। देखो ये लो, ये ले भाई, अबे ये ले भाई, चलो मिल जा कहीं एंशिएंट डेब्रिस, मिल जा कहीं एंशिएंट डेब्रिस, आई मीन ला 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 ला, मिली ये। जरा रुको यार, तुम लोगों के लिए ये देखो यार, तुम ये देख, ओए होए होए आए हाय, ये तो देखो क्या है भाई,
ये देखो तुम यार, ये देख रहे हो, जस्ट लुक एट दिस यार। अब सोचो, अब सोचो इतना ही एंशियंट डेब्रिस मैं तुम्हें ला के दे सकता हूँ यार। लावा सर्जन, प्रोफेशनल लावा सर्जन बोलते हैं मेरे को यार। ये देख रहे हो 23। अब मेरा मन कर रहा है कि एक और एंशियंट डेब्रिस अगर होती तो मैं अपनी पिकैक्स और अपनी स्वर्ड को नेदरराइट का बना सकता था। तो अब मेरे को लालच आ रहा है, तो हम लोग एक और लास्ट, पक्का लास्ट प्रॉमिस है, एक लास्ट एंशियंट डेब्रिस के लिए जाएंगे और उसके बाद चुपचाप फिर ये लो भाई, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी गाइस, कोई TNT लगाना है। एक और एंशियंट डेब्रिस जरा आसपास खोद के देख लेते हैं एक बार, जस्ट इन केस अगर हो सकता है 2-3 और एंशियंट डेब्रिस मिल जाए यहाँ पे, जो कि नहीं हो रहा है। तो चलो अब हम लोग वापस चलते हैं गाइस, हम लोगों का सारा सामान तैयार है जिससे हम लोग इसको एंशियंट डेब्रिस मतलब बना सकते हैं बेसिकली। तो चलो फटाफट से चलते हैं, यहाँ पर से निकलते हैं और उसके बाद बनाते हैं अपने पूरे के पूरे आर्मर को, पहले तो नेदरराइट का और उसके बाद उसे नॉर्मल नेदरराइट नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ये देखो तुम भाई, तुम लोग रहो कि भाई यार ये क्या बात हुई भाई, मुझे अगर नॉर्मल नेदरराइट बनाना होता ना तो मैं इसको क्या करता, मैं ये वीडियो ही नहीं बनाता, मैं चुपचाप नेदरराइट का दोबारा से बनाता। बट मुझे एक्चुअल में ये देखो भाई तुम, मुझे एक्चुअल में ना लावा में गिरना था एक और बार, क्योंकि क्या होता है ना कि तुम्हें पता नहीं होगा बट टेस्ट आता है, किक मिलती है यार लावा से। अब तुम लोग बोलो किक मिल लिया तो भाई दोबारा ले लो, दोबारा कूद जाओ, बदतमीजी नहीं करो यहाँ आनी। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं वापस से, अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे कि सिंपल है भाई। ये क्या था भाई, अच्छा पोशन ऑफ स्ट्रेंथ रेंथ पड़े हुए हैं भाई, ये कलर चेंज नहीं हो गया पोशन ऑफ स्ट्रेंथ का? ओके ये तो रेड हुआ करता था यार, ठीक है भाई आई थिंक नए अपडेट में हुआ होगा। चलो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस थोड़ा सा आयरन चाहिए होगा यार, 2 आयरन चाहिए हम लोगों को, प्लीज़ दे दो 2 आयरन यार। नहीं है कोई बात नहीं यार गाइस, अब मेरे को मजबूरी में अपने आयरन फार्म में जाना पड़ेगा जो कि इतना बड़ा है और इसमें ढेर सारा आयरन पड़ा हुआ होगा, बट या क्या करूँ यार गाइस, मजबूरी का नाम है यार, मजबूरी का नाम आयरन फार्म। कहाँ है आयरन, ये कैसा घटिया आयरन फार्म है भाई यहाँ पे। वैसे कायदे से मैं यहाँ पे AFK खड़े नहीं होता, उसकी वजह से भी होगा। और अभी सारे के सारे विलेजर सो गए हैं, डर तो लगता नहीं है इनको, डरना डरना तो इनका है ही नहीं बस का ना, सब सो रहे हैं भाई, देख रहे हो मस्त मजे आ रहे हैं उनको, कोई सो डरना वो सब चीज़ें तो इनके भाई कौन डरेगा इससे, बल भाई पिलेजर की इज्जत ही नहीं है भाई, छी थू। तो गाइस मैं वापस आ चुका, मैं थोड़ी सी लकड़ी वकड़ी निकाल ली, अब हम लोगों को बस एक ही चीज़ करनी है जो कि है यहाँ पर अपना एंशियंट डेब्रिस लगा देना है, ठीक है। ये लो इसको फेंको भाई, यहाँ पर भी अपना एंशियंट डेब्रिस लगा देते हैं, इस वाले में भी थोड़ा सा एंशियंट डेब्रिस लगा देते हैं, इस वाले में भी थोड़ा सा, ये ले थोड़ा सा एंशियंट डेब्रिस लगा देते हैं। और बाकी मेरे पास कोल फोल पड़ा होगा, रुको ये क्या है, ब्लॉक ऑफ कोल है क्या, नहीं ना ब्लैक कॉन्क्रीट। मैं खुश हो गया भाई, मैंने कहा ब्लॉक ऑफ कोल बना के रखे हुए हैं, मुझसे समझदार कोई हो ही नहीं सकता दोस्त, मित्र मैं सबसे समझदार हूँ मित्र। चलो अपने TNT रख देते हैं, पहले तो हम लोगों को TNT की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब और थोड़ा सा कोल या कुछ भी जलाने वलाने वाला कुछ तो होगा ना अपने पास, कोल के और पड़े हुए हैं। तब तक गाइस हम लोग एक चीज़ करते हैं, चलो 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 हमारा क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है, बस मैंने सारा का सारा अपना कूड़ा जितना भी था जेब में वो हटा दिया है, अब हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, एक स्मिथिंग टेबल बनानी है। अब देखो नई स्मिथिंग टेबल के अंदर देख रहे हो तुम लोग, ऐड स्मिथिंग टेम्पलेट वो सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ होंगी बट अभी के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेसिकली जैसे इसको वो करना है ना, अभी इसको हम लोगों को नेदरराइट का आर्मर बनाना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए जितना स्क्रैप बन चुका है वो, ये तो पूरा ही स्मेल्ट हो गया, नाइस नाइस नाइस, अपना 21 हो गया, 21 मजाक हो रही है, बहुत बढ़िया। चलो अभी हम लोगों को गोल्ड चाहिए होगा थोड़ा सा, भाई गोल्ड का तो पूरा फार्म था मेरे पास, कहीं ना कहीं पे गोल्ड के ब्लॉक होने चाहिए यहाँ पे, ये रहे देखो, ठीक है ये हो गया। इसको हम लोग फटाफट से जाके नेदरराइट बना देते हैं, देयर वी गो, 4 ऐसे और 4 ऐसे, ठीक है। तो ये 5 हो गए, अभी कितना और है यहाँ पे, 1 और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, आई होप इतने से हो जाए भाई, 1 और बन रहा है हमारा, देयर वी गो, बस इतना ही है अपने पास, ठीक है। बचा हुआ ये, अरे ये कहाँ डाल रहा है यहाँ। चलो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को आर्मर को गोल्ड इसका बनाना है, राइट। तो हम लोग, हेलो ब्रो मेरे को बिना इसके अपग्रेड करना है ना यार, ऐसा मत करो दोस्त, ऐसा मत करो यार, क्या बिना इसके अपग्रेड ही नहीं कर सकता मैं गेयर? अब मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट चाहिए ही चाहिए। ओके ये थोड़ा सा डेंजरस हो गया गाइस, मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट चाहिए ही चाहिए अब अपग्रेड करने के लिए, मैं नॉर्मली कर ही नहीं सकता अपग्रेड यार, ये तो डेंजरस बात होगी भाई मजाक से हट के। हैं जी अब तो गाइस मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी और मेरे को पता चला है, हम लोगों को अब अगर अपने डायमंड को
नेदरराइट में कन्वर्ट करना तो हमें सिर्फ नेदरराइट इंगेट नहीं चाहिए होगी, हम लोगों को एक अपग्रेडिंग टूल भी चाहिए होगा। मतलब अपग्रेडिंग क्या बोलते हैं इसको, स्मिथिंग टेम्पलेट। तो हम लोग को एक अपग्रेडिंग स्मिथिंग टेम्पलेट चाहिए होगा जिससे हम लोग अपग्रेड कर पाएंगे, और फिर अलग स्मिथिंग टेम्पलेट तो चाहिए होगा स्टाइल मारने के लिए। अरे भाई साहब, बस चीज अच्छी ये है कि हमें सिर्फ एक ही चाहिए होगा, ठीक है, हमें बहुत सारे नहीं चाहिए होंगे, हम लोगों को सिर्फ सिर्फ एक ही चाहिए होगा। बट दिक्कत वाली बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बैस्टियन रेमिनेंट में मिल पाएगा। तुम समझ रहे हो ना बैस्टियन रेमिनेंट कितनी ज़्यादा डेंजरस जगह होती है, हम लोगों को वहाँ जाके इसको ढूंढना पड़ेगा और तब जाके मिलेगा। अबे यार भाई, पास का एक बैस्टियन रेमिनेंट तो मैं लूट लाट के ले आया था, तो इसका मतलब उसमें तो ये चीज़ स्पॉन ही नहीं होगी अब, क्योंकि वो तो पुराना वाला था ना, वो तो हो गया। अब मेरे को दूर से दूर जाना पड़ेगा और फिर एक बैस्टियन रेमिनेंट ढूंढना पड़ेगा, और ये तो खैर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया, मतलब वो हो गया फोर्ट्रेस। मेरे को एक बैस्टियन रेमिनेंट ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद जाके उसके अंदर अगर मेरी किस्मत हुई तो मेरे को मे बी, ये कौन है भाई पूरा गोल्ड में नहाया हुआ बंदा, उसके बाद मे बी अगर मेरी किस्मत होगी तो मेरे को उसके अंदर एक अपग्रेड टेम्पलेट मिल सकता है। भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कर दिया इन लोगों ने भाई नेदरराइट बनाना, लेकिन ये एक्चुअली अच्छी चीज़ भी है सही बताऊँ तो, ठीक है, ये कोई नॉर्मल लाइक ऐसे नॉर्मली ऐसा, वरना सही बताऊँ तो थोड़ा सा ईजी हो रहा था, बट ये कुछ ज़्यादा ही टफ कर दिया इनने। और अच्छी बात ये है कि वो चीज़ शायद से डुप्लीकेट हो सकती है, मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा, जब तक मैं कर नहीं लेता तब तक मैं बोल नहीं सकता, बट ये शायद से वो डुप्लीकेट होती है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं भाई फटाफट से और ट्राई करते हैं ढूंढने का एक नेदरराइट बैस्टियन पहले तो। भाई यार मतलब नेदरराइट बैस्टियन बोल रहा हूँ, एक बैस्टियन जिसके अंदर हमें ये सब मिल सके। बस एक काम करते रुको, इसके अंदर ना हम लोगों को ये देखो, इसीलिए तो मैं भाई लाइट्रा पहन के चलता हूँ, क्या पता कब क्या हो जाए तुम्हारे साथ भाई, यू नेवर नो नेदर है। चलो अबे भाई सब आ जाओ, एक काम करो ना मेरे ऊपर कूद जाओ सारे के सारे भाई। ओके नाइस नाइस गाइस, हम लोगों को मिल गया एक वो ट्रेजर वाला है। अबे यार यहाँ पे ब्रूट पिगलिन घूम रहे हैं। अरे यार मैडम यार माफ कर दो आदमी को, बाय गॉड परेशान हो जाता है आदमी भी। चिंगान कर दिया भाई, उड़ू 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 उड़ू। ओके निकल रहा हूँ सर, सी यू सून, आ जाओ ब्रूट्स, इट्स टाइम। ओ भाई क्या बच के भागो मैं एक हार्ट में, भाई मैं कैसे ना कैसे बच बुझ के तो निकल गया उधर से, पर ये चीज़ सही है भाई, ये ट्रेजर बेस्टियन है अगर इसके अंदर हमें मिल गया ना, और अब ये बेस्टियन ही गायब हो गया है भाई। यार ये एक तो फॉग भी बंद नहीं होता ना, अभी ऑप्टिफाइन आया नहीं है प्रॉपरली 1.2 के लिए, तो मैं थोड़ा सा, अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं आना था, यहाँ नहीं आना था, कहाँ देखे थे मैंने वो पिगलिन भाई, कहाँ देखे थे मैंने वो ब्रूट पिगलिन, वहाँ पे चेस्ट भी थे, यहीं कहीं देखे थे, यहीं कहीं देखे थे, यस यहीं कहीं, यहीं कहीं गारंटीड ये रहा। हेलो नहीं 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 सॉरी सॉरी, अबे तू नहीं भाई, यार इसने चिंगान कर दिया, रुक जाओ मेरे को भाई। हेलो एक साथ सब लोग रुको गाइस, मेरे को ना भाई मेरे को लगा फेंक गई है, मेरे को ना अब इनको पहले दूर से ही ऐसे करके मारना पड़ेगा। अरे गलत बंदे पे हाथ ले ओके नीचे वालों को कुछ पता नहीं चला है अभी तक, ठीक है। ओ नो भाई ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं मजाक भी नहीं करूंगा सही में, ये ले खत्म भाई निकल। चलो गाइस फटाफट से लूट के देख लेते हैं, प्लीज बोल दो, प्लीज बोल दो इसके अंदर है, यस यस अपग्रेडिंग है, और एक और है, ये क्या है भाई। ओके फूड भी रख ही लेते हैं भाई, फूड तो चाहिए मेरे को, गोल्डन एप्पल भी खा लेंगे क्या ही है भाई, एरोज रख लो, आयरन भी मिल रहा है फ्री का, सब रखो भाई फ्री का जो मिल रहा है, गोल्ड ले लो ये ले लो। ओके बूट सूट से तो क्या ही जरूरत है, इसमें और कुछ नहीं छोड़ रहा ना मैं भाई, ये तो बहुत कूल चीज़ हो गई, मैं अपग्रेडिंग भी मिल गया कुछ, और ये तो मिल ही गया भाई स्मिथिंग टेम्पलेट नेदरराइट अपग्रेड। ओके चलो यहाँ से निकलते हैं गाइस फटाफट से, और थोड़ा सा डेंजरस है भाई ये, बिना फॉग हटाए ना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है, मजाक नहीं करो सच्ची में, यहाँ से आया था मैं। चलो फटाफट चलते हैं और जाके अपने इसको अपग्रेड करते हैं, बट मैं तुम्हें बताता हूँ ये तो एक ही है राइट, तुम लोग सोच रहे हो भाई एक ही है इसको कैसे अपग्रेड करोगे, मैं तो बताता हूँ तुम लोगों को अभी भाई, अच्छी चीज़ ये है कि तुम्हें एक ही ढूंढना होता है, उसके बाद तुम इसको कितनी भी बार ड्यूप कर सकते हो, ये बेस्ट चीज़ है। तो चलो फटाफट चलते हैं
घर की तरफ को और उसके बाद दिखाता तुम्हें कैसे होता है काम। तो गाइस ये थोड़ा सा चेंज तुम लोगों को दिख रहा हो क्योंकि ये है एक्चुअली अगली मॉर्निंग। मेरे को थोड़ा सा बहुत ज्यादा जरूरी काम आ गया था, वो तुम लोगों को व्लॉग में पता चल जाएगा क्या जरूरी काम आ गया था। बट यस अभी हम लोगों को क्या करना है, देखो हम लोगों के पास स्मिथिंग टेबल आ चुके, मतलब स्मिथिंग टेबल बोलो, हम लोगों के पास अपग्रेड टूल आ चुका है। अब हमें बस इसको यहाँ पे रखना है हम लोगों को। सर हेलो बदतमीजी, वो भी मेरे से भाई। यार एक तो ये लाइटर है यार, क्रेडिट नहीं पड़ रहे उसको भाई। तो कहने का मतलब है कि देखो अब हम लोगों को क्या करना है, बस यहाँ पे अपग्रेडिंग टूल रखेंगे, यहाँ पर हम अपना ये रखेंगे चेस्ट प्लेट और ये डालेंगे और ये देखो अब हमारी नेदरराइट की चेस्ट प्लेट बनने को तैयार है। बट दिक्कत क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक है, ये जो नेदरराइट अपग्रेड है ये सिर्फ एक है। और अभी हम लोगों का ऐसे तो फिर चार ये और उसके बाद 1 2 3 4 4 8 हम लोग को 8 लेके आने पड़ जाएंगे। समझ रहे हो तुम लोग कितने ज़्यादा महंगा सौदा पड़ेगा भाई, 8 लेके आना, वो भी भाई सारे बैस्टियंस में से। बैस्टियन मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ नहीं पता, राइट। अब दिक्कत यहाँ पर है कि इसको करने का एक तरीका है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। मेरे पास थोड़े बहुत डायमंड्स पड़े होने चाहिए, मतलब मेरे पास इतने नहीं पड़े होंगे जितने इसको चाहिए, बट मेरे पास थोड़े बहुत डायमंड्स तो पड़े होने चाहिए, जो कि कहाँ है डायमंड्स हेलो नहीं है मेरे पास, डायमंड्स नहीं है मेरे पास, इतने भी डायमंड नहीं है भाई। मेरे पास 60 डायमंड तो होने ओके 4-5 भाई, कहीं गलती से फेंक दिया हूँ कुछ कर दिया हो भाई। ये देखो मिल गए बढ़िया, चलो ठीक है। तो चलो अभी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। अब देखो अपने पास पड़ा है ना सब कुछ, देखो हमें क्या करना है, इसको बस यहाँ पर रखना है। यही चीज़ अच्छी लगी मेरे को इस अपग्रेड में, क्योंकि सोचो अपडेट में, क्योंकि सोचो अगर तुम्हें एक स्मिथिंग टेबल से एक चीज़ अपग्रेड हो रही है तो तुम्हें कितनी सारी चीज़ होंगी, समझ रहे हो तुम लोग, 8 कम से कम, और 8 ढूंढना इज़ अ वेरी हार्ड थिंग। तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं करना, हम लोग ऐसे करके ये रखना है और बीच में सिर्फ एक नेदरराइट रखना है, ठीक है। तो ये देखो 2 बन गए, अभी एक की जगह 2 हो गए। अब दोबारा से अगर हम इसको डायमंड नहीं है पर दोबारा से इसको ऐसे करके रखेंगे तो ये 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 माऊ, तो ऐसी करके इसको हम कितना भी कर सकते हैं बेसिकली, मतलब जितने चाहे उतने ज़्यादा बना सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अभी हम लोगों को चाहिए डायमंड्स, ठीक है भाई। मजाक से हट के किसी ने सोचा होगा, मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज़ इनने अपडेट बहुत सही लाई, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे ना एक बार के लिए, हमारे वर्ल्ड में हमें डायमंड की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस वर्ल्ड में लेजिट हमें डायमंड की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ सामान चाहिए तो हम आर्मरर से ले लेंगे, ठीक है, हमें आर्मर चाहिए हम आर्मरर से ले लेंगे, हमें टूल्स चाहिए हम टूल स्मिथ से ले लेंगे, हमें वेपन चाहिए हम वेपन स्मिथ से ले लेंगे। हम लोगों को डायमंड की ज़रूरत ही नहीं है, कायदे से डायमंड आर्मर इन सब चीज़ों के लिए तो होता है सबसे मेन, बट हम लोगों को अब जरूरत ही नहीं है, एक दो डायमंड है वो तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो अपने पास फॉर्चून 3 वाली पिकैक्स है, चलो थोड़ा सा दूर चलते हैं यहाँ पर से और अब माइन करना स्टार्ट करते हैं डायमंड, क्योंकि हम लोगों को देखो 60 डायमंड चाहिए होंगे फॉर 1 क्या कहते हैं उसे अपग्रेड, ठीक है। तो अपने पास 2 हो चुके हैं तो 7 7 14 इसके लिए चाहिए होंगे हमें, और उसके बाद 7 इसको भी बनाना है क्योंकि हम लोगों को अपने आर्मर को कूल भी दिखने का बनाना है, तो वो चीज़ अलग है। तो हम लोगों को कितना करना पड़ेगा पता है तुम लोगों को, हम लोगों को 42 राइट। तो हम लोग को 42 डायमंड चाहिए होंगे अब। तो चलो फटाफट से ये इधर को नहीं, इधर को चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा क्योंकि अपने घर के नीचे वाला बहुत सारा एरिया खोद रखा और वहाँ से काफ़ी डायमंड ऑलरेडी निकाल रखे हैं, तो इसलिए वहाँ पर जाना है इज़ लाइक दिमाग खराब है कि ऐसे वाली चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर से कहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोगों को डायमंड्स मिल सकें, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत खोदा हुआ एरिया भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैसे कहते इतना भी नहीं खोदा होगा जितना दूर मैं चले गया हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलो फटाफट से चलते हैं हम लोग। -15 बोल रहा हूँ भाई, कुछ तो -55 या ऐसा कुछ होता है, एक बार चेक कर लूँगा मैं। बट हम लोग को वहाँ जाके अब डायमंड्स निकालने पड़ेंगे, वो भी कम नहीं भाई, 42 डायमंड्स भाई। हम लोग आ चुके हैं -58 पे, अब हम लोग को यहाँ पर खोदना शुरू करना। वैसे मैं फूड लाना नहीं है, ठीक है, चलो इतने से हो तो जाना चाहिए वैसे कायदे से, बट ठीक है, लेट्स सी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो अपना F3G ऑन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ये रहा, बढ़िया, ठीक है। तो इसी के अराउंड ऐसे करके खोदना स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिप माइनिंग शुरू करते हैं, आई होप हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। अच्छा इसको सीधे लगा के तो फिर दोबारा तोड़ने पड़े दिमाग, तो ब्रेन वर्क मेक्स द ड्रेन वर्क, छोड़ो चलो फटाफट से देखते हैं, फटाफट प्लीज मिल जाए यार। पहले वाले में बड़ा इजी होता था यार, लाइक पुराने उसमें वर्जन में ना डायमंड ढूंढना भाई, अगर तुम्हें लावा दिख गया कहीं पे, मतलब लावा की पूरी एकदम ऐसा समझ रहे हो ना, ऐसा लावा ही लावा एक जगह पे, तो तुम्हें इतने डायमंड मिलेंगे उसके आसपास ही, इतने डायमंड मिलेंगे कि तुम लोग रिच हो जाओगे भाई। इधर यार ये थोड़ा सा मेरे को बेकार लगता है कि तुमको भाई ढूंढते खोदते रहो, देखो अभी तक एक भी डायमंड नहीं मिला कायदे से हम लोगों का, नहीं भी तो यार मैं मानता हूँ 20-30 हज़ार डायमंड तो मिल ही जाने चाहिए, ठीक है थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट वही मतलब लो लावा ही आ गया भाई।
चलो यहाँ से स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर देते, 1 2 छोड़ के थर्ड पे खोदेंगे, क्या हमें डायमंड मिलेंगे, प्लीज मिलेंगे, बोल दो नहीं मिलेंगे, 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे पे खोदेंगे, क्या हमको डायमंड मिलेंगे, बोलो तुम, नहीं मिलेंगे, 2 छोड़ेंगे, तीसरे पे खोदेंगे, इस बार डायमंड नहीं मिलेंगे, इस बार डायमंड मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 मिलेंगे, टूट गया गलती से, दो ही मिले क्या, भाग, चलो फिर से हो जाए, 1 2 3 गो, 2 को छोड़ेंगे, तीसरे पे खोदेंगे। स्ट्रिप माइनिंग मेरे हिसाब से बेस्ट है भाई, स्ट्रिप माइनिंग इज द इजीएस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी, लाइक ढूंढने का ना, मतलब इजीएस्ट तो नहीं बोलेंगे, मेहनत तो बहुत ज़्यादा है स्ट्रिप माइनिंग में, बट एटलीस्ट इतना है कि तुमको श्योरिटी होती थोड़ी सी कि हाँ यार कुछ तो मिल ही जाएगा वाला ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ है, बट ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है मान लो ना, 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे पे खोदेंगे, क्या हमको डायमंड मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इसको खोद लेते हैं, थोड़ी एक्सपी मिल जाएगी तो मेरी पिकैक्स वापस से सही हो जाएगी ना, ये हो गया, 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे पे खोदेंगे, क्या हमको डायमंड मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे पे खोदेंगे, क्या हमें डायमंड मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, 1 2 मैं शायद से गाना गलत गा रहा हूँ गाइस, अब गाना देखो, रेडी, 1 2 3 गो, किंदे चाले बाटू नो, किंदे चाले जू, किंदे चाले बाटू नो, किंदे चाले, किंदे चाले बाटू नो, किंदे चाले तू, किंदे चाले बाटू नो, किंदे, ओम जी माम बिंग बिंग चंग, भाई जितना अंधेरा हो रहा है हुआ भी तो नहीं मिलेगा भाई, मत गा भाई, ये देखो मत गा भाई, लेजिट गेम बोल रहा है, तू मत गा भाई, गेम ने बोला मुझसे भी, मैंने नहीं बोला, ये गेम ने बोला मत गा भाई, तू मत गा यार, प्लीज भाई मैं तुझे डायमंड दूंगा, तू मत गा यार, तुम समझ रहे हो मेरे टैलेंट को गेम वेस्ट नहीं जाने दे रहे, अब तुम सोच रहे हो कि अरे नहीं नहीं भाई गेम ने इसलिए बोला होगा क्योंकि तुम गंदा गाते हो, लेकिन ऐसा है नहीं भाई, गेम ने बोला कि भाई आप अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो, आप यार भाई क्या कहते हो से गाने ऐसे ऐसे मत गाओ, वेस्ट मत करो मतलब गानों को, इसीलिए उसने मुझे जब मैंने नहीं गाया और बोला मत गा भाई, तब जाके उसने मेरे को डायमंड दिए, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा टैलेंट जो है वो वेस्ट हो, मैं तो यही मानता हूँ, तुम लोग बताओ क्या तुम्हें मैं एकदम ऐसा प्रोफेशनल सिंगर जैसा ही लगता हूँ, झूठ मत बोलना, देखो अगर झूठ बोल लोगे ना तो कौवा काटेगा, वो भी पिछवाड़े में, अब तुम देख लो बाकी की बातें, यार मैंने कुछ नहीं बोला है तुमसे भाई, लेकिन वो कौवा आके पोंख में काट के चल जाएगा, तुम देख लो भाई, ठीक है ना, बाद में मत बोलना, देख लो झूठ बोलने वाले के तो कौवा काटता है, अब तुम देख लो बाकी, हाँ नहीं भाई सोचो अगर मैंने ये हटाया और एकदम से डायमंड की वेन मिल गई, 10 डायमंड की वेन, वाओ हो जाएगा भाई, नहीं नहीं मिलेगी, जादू हो रह गया, माइनक्राफ्ट है या फिर विजक्राफ्ट है ये, हाँ नहीं तो मैं तो खुदाई कर रहा था, मजे कर रहा था, मुझे डायमंड ने बुलाया, बोला किंदे चाले फिल्म तुम भाई, किंदे चाले तू अंशु भाई, मेरे से डायमंड ले ले तू, नहीं यार अगर डायमंड नहीं मिले ना इस सीधी उसमें तो मुझे मेरा दिल है ना वो टूट जाएगा, और एक एक आदमी के दिल को तोड़ना तुम्हें पता है कितनी 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 बद्दुआ लगती है ब्रो, कम ऑन यार, भाई भाई ये क्या आ रहा है, टफ नहीं चाहिए मेरे को, ओए हाँ हटा दो भाई इसको, इसमें तो डायमंड वैसे ही नहीं मिलेंगे क्योंकि होते ही नहीं है, इसकी और ही नहीं है, प्लीज़ भाई एक डायमंड तो मैं भी डिजर्व करता हूँ यार, कितने हो गए अपने पास, 17 हुए, मैं 42 करने का, इस ज़्यादा नहीं भाई, ज़्यादा नहीं, इसी का 3 गुना कर दो बस, ज़्यादा नहीं भाई, ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट मतलब 3 गुना बेटे जो धोखा करा है ना मेरे साथ तूने, मेरे को 2 सेकंड के लिए लगा कि भाई ब्रेन लैग हो गया मेरा, मैंने कहा वाओ डायमंड मिल गए, फिर तुम्हें पता ही है आगे की कहानी क्या ही होती है भाई, चलो जहां से ये चंक कटेगा उसके बाद हम लोग स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि यू नो असली पैसा तो स्ट्रिप माइनिंग में ही है दोस्तों, जहाँ पर भी ये चंक खत्म हो रहा होगा, क्या इस बारी हमारी थोड़ी सी किस्मत चलाएगा माइनक्राफ्ट प्लीज, अरे भाई आयरन कैसे मिल रहा है इतना नीचे, डायमंड बोला आयरन चाहिए मेरे को, ये रहा चंक खत्म हो रहा है, एक लास्ट हाथ मार देता हूँ दूर दूर तक, कुछ नहीं है,
इधर पे भी मार देता हूँ, कुछ नहीं है। इधर पे भी मार देता हूँ, कुछ नहीं है। ठीक है चलो स्ट्रिप माइनिंग चालू करते हैं। दो छोड़ के एक में ला 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 ला, दो छोड़ के एक में ला 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 ला। नहीं सॉरी, गाना नहीं गाना है गाइस, गाना नहीं गाना है यार। हेलो किंदे चाले बाटूनो, किंदे चाले तू, किंदे चाले बाटूनो, किंदे चाले तू। मत ही गा भाई, सही कह रहा था वो, सही कह रहा था भाई, तू मत गाना, चुपचाप तेको मिल जाएगा सामान, तू बस गाना मत गाना यार। अरे भाई ये क्या है, अगर ऐसे हमें छुपा हुआ डायमंड मिल जाता रेडस्टोन की जगह, क्या मजे आते हैं। फालतू गिरी, कोई बात नहीं, ये भी ले लूँगा मैं, मेरे को अपनी पिकैक्स को वो करना है। ओए भाई ओए ओए, इतना फालतू नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है टॉर्च। तो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं वापस, हम लोग 46 डायमंड्स तो हो चुके हैं। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली सबसे पहले तो हम लोग क्राफ्टिंग टेबल पर जाएंगे, फिर इसको सेंटर पर रखते हैं, हम लोग को इसको ऐसे रखना है, और उसके बाद हम लोग कितने चाहिए, देखो चार चाहिए राइट, एग्जैक्टली 1 और 2 to 4। अच्छा इसने सीधे 4 बना दिए उसके, लेट्स गो। चलो अब हम लोगों को क्या करना है, बस इसको उतार देते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे पास जाए भाई साहब, इन्वेंटरी ऐसे खचा खच भर के लेके आया हुआ ना, मैं बता भी नहीं सकता तुम लोगों को। हम लोग कुछ नहीं करना है, देखो अब अपग्रेड टूल को यहाँ पे रखना है, और उसके बाद हम लोगों को अपना आर्मर यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे रखना है नेदर राइट। ये हम लोगों का अपग्रेड हो रहा है भाई, ये चीज़ सही लगी मेरे को। अब जाके डायमंड का थोड़ा बहुत और यूज़ है पोस्ट गेम में, मतलब ऐसा कि एक बारी हो गया फिर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे वाला नहीं, अब पोस्ट गेम में भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे वाला हो गया, ठीक है। तो अपना आर्मर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग कुछ नहीं करना है। ये देखो अब अगर हम लोग अपने आर्मर में, रुको हाँ, अब अगर हम लोग अपने आर्मर में स्नाउट ट्रिम लगाते हैं, और सोचो इसको डायमंड का कलर देना है, ये देख रहे हो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है भाई साहब, मजाक से हटके भाई डायमंड का कलर ये होगा। नेदरराइट डालेंगे तो खैर पता नहीं, हाँ हल्का सा पता चल रहा है, ये देख रहे हो ये काली काली लाइंस आ रही है, नॉट बैड नॉट बैड। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, आयरन भी डाल सकते हैं राइट। आयरन कहाँ है, आयरन है मेरे पास, आयरन था मेरे पास यार कहीं तो रखा मैंने आयरन, रुको यहीं कहीं होना चाहिए, इन्हीं में से। ओ ये कॉपर का भी पहली बार यूज़ आ रहा है भाई, अब कॉपर भी यूज़ होगा गाइस, अब मजाक से हट के। और एमरल्ड भी चाहिए होगा मेरे को थोड़ा सा। अब ये देखो गाइस कितना ज़्यादा सही चीज़ है, सोचो ये हमारा आर्मर है, ये हम लोगों का वो आ गया टेम्पलेट आ गया है, स्मिथिंग टेम्पलेट, जो कि हमारा स्नाउट आर्मर ट्रिम है, जो हम लोगों को बेस्टियन से मिला था। अब हम लोग देखो इसमें गोल्ड लगाएंगे तो गोल्ड से ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें नेदरराइट लगाएंगे, नेदरराइट से ऐसा दिखेगा। अगर हम लोग इसमें डायमंड लगाएंगे, डायमंड से ऐसा दिखेगा। अगर हम लोग इसमें एमरल्ड लगाएंगे तो एमरल्ड से ऐसा दिखेगा। और हम अगर आयरन लगाएंगे, आयरन से ऐसा दिखेगा। और कॉपर लगाएंगे तो कॉपर से ऐसा दिखेगा। मेरे ख्याल से बेस्ट तो एमरल्ड और डायमंड ही लग रहे हैं भाई, डायमंड या एमरल्ड भाई, एमरल्ड मेरे ख्याल से ज़्यादा कूल लग रहा है, क्योंकि डायमंड देख देख के थक गए भाई, हरा कलर वो भी आर्मर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है भाई। तो ये तो करूँगा, अभी मैंने गलती से आर्मर ले लिया था, अगर मैं ले लेता ना उसके बाद जो होता ना भाई वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता। हम लोगों को एक्चुअल में इसको डुप्लीकेट भी करना है, हैं? ओके एक मिनट मेरे ख्याल से रुको रुको भाई, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जहाँ से तुमने उठाया है, जैसे सिल्वर टेम्पलेट हम लोग लेके आए कहाँ से, बेस्टियन से राइट, तो इसको जरूरत भी भाई ब्लैकस्टोन की पड़ेगी। तुम इसमें नहीं कर सकते कि नेदरराइट, हमने नेदरराइट किस में डाला, जो हम लोगों ने अपग्रेडिंग टूल था उसमें, ये देखो। ओ भाई साहब ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, मतलब कूल, मतलब इन द सेंस। ओ भाई एक एक्स्ट्रा तो बनता है भाई, 5 तो रखने पड़ेंगे ना, एक एक्स्ट्रा बनता है भाई। हम लोग ने अपग्रेडिंग टूल का, ठीक है भाई, अब अगली बार कभी अपग्रेड करना पड़ गया तो दोबारा जाके लेके आना पड़ेगा किसी बेस्टियन से। दिमाग तो भाई बहुत है मेरे पास, बस यूज़ नहीं करता मैं। चलो ये देखते एक बारी, ओ क्राफ्टिंग अ न्यू लुक, लेट्स सी गाइस, ठीक है रेडी रेडी हो रेडी हो। चलो पहले तो इसको हाथ में देख लेते हैं, हाथ में तो देखो नॉर्मल वही डायमंड दिख रहा है, लेकिन अगर पहनेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी 1 2 3। ओ भाई साहब एक बार मेरा नॉर्मल एमरल्ड का आर्मर, मतलब नॉर्मल उसका नेदरराइट का आर्मर देखो, और ये एमरल्ड के कलर का देखो भाई कितना ज़्यादा कूल लग, रुको भाई मेरे को जल्दी से जल्दी सारा करना है अब भाई, कितना ज़्यादा कूल लग रहा है ये, व्हाट। ओके ये देखो एमरल्ड के साइड से आ रहे हैं, ठीक है। ओए एमरल्ड की पैंट में देखो नाड़ा बना हुआ है, मजाक से हट के सही में नाड़ा फट चुका, अभी दिखाता हूँ। लेट्स गो गाइस, लेट्स डू दिस, ये हटाओ ये 3, अरे रुको रुको नहीं नहीं पहन के मैं दिखा भाई, खाली चेस्ट प्लेट पहन के दिखा,
इसको यहाँ पे रख दो और अब हम लोग इसको पहन के दिखाएंगे। लेट्स गो गाइस, 1 2 3। पहले हेलमेट, ठीक है, हेलमेट में ज्यादा पता नहीं चल रहा है, साइड से ही पता चल रहा है। और पीछे से है कुछ नहीं, पीछे से भी कुछ नहीं है, बस साइड से एक टुन्ना सा लगा रखा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। फिर आती है पैंट्स, पैंट्स और को पैंट्स में तो शायद से मेरे को चेस्ट प्लेट हटानी पड़ेगी, तब जाके नाड़ा दिखेगा मेरा। ये देखो एक बार कितना ज्यादा कूल लग रहा है भाई। ठीक है, ये देखो चेस्ट प्लेट के साथ। और लास्ट आते बूट्स। ओ भाई साहब, एक बार ये आर्मर देखो भाई, सोचो कोई बंदा तुम्हारे पर ऐसे चढ़ रहा है, ये देखो भाई, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मॉड वॉड लगा दिया होगा भाई। बहुत सही चीज करी है माइनक्राफ्ट वालों ने कि आर्मर, यार बहुत टाइम से ऑर्थोडॉक्स एक ही जैसा आर्मर दिख रहा था भाई। अब देखो ना, अब सोचो कोई बंदा है, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर बाई चांस कोई दो ग्रुप हुए, ठीक है, सोचो दो ग्रुप है भाई, एक ग्रुप का एक टाइप का आर्मर है, दूसरे ग्रुप का दूसरे टाइप का आर्मर, जैसे ये एमरल्ड वाला हो गया। अब कोई दूसरा जैसे जैक का ग्रुप हो गया, जैक अपना डायमंड वाले आर्मर वाला ग्रुप में आ गया, लड़ाई हो रही है, क्या मजा आएगा भाई। और पहचानने में भी थोड़ी आसानी होगी कि हम लोग अपने बंदे को तो नहीं मार रहे हैं कहीं हेलमेट के नीचे। अभी मैं मर गया था। आर्मर देखो, आर्मर गाइस, आर्मर वू। तो गाइस देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं सुबह की रोशनी में कैसा लगता है भाई। देयर वी गो गाइस, इट इज योर बॉय द एमरल्ड मैन। ला 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 ला, मैं तो बन गया एमरल्ड मैन भाई। ये सही में कितना ज्यादा कूल लग रहा है दिखने का भाई, मजाक से हटके तुमने देखो तो सही एक बार भाई। और अच्छी बात है कि एक टेम्पलेट बच भी गया, और इसको इज्जत से, बिल्कुल इज्जत से इस टेम्पलेट को, बचे हुए टेम्पलेट को भाई, इससे पहले कि ये भी मैं खो दूँ, इसको चुपचाप इसके अंदर डाल दो भाई, बस अपने भाई उसमें डालो एंडर चेस्ट में, ताकि ये खोए ना दोबारा। और बाकी हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, हम लोग के पास अपग्रेडिंग, प्लीज़ बोल दो कि इसके लिए कोई अपग्रेडिंग ये लोगे। वो एक मिनट, अगर मैं इसको स्वॉर्ड में लगा दूं तो क्या मेरी स्वॉर्ड में भी आ जाएगी कुछ धार वार? नहीं, इट कांट, आइटम कैनट बी अपग्रेडेड दिस वे। ओके ठीक है, ठीक है। पर अगर मैं एक चीज और, मेरे को एक क्वेश्चन और है, अगर मैं आयरन का आर्मर बनाता हूँ, ठीक है, आयरन का नॉर्मल आर्मर बनाता हूँ, ये लो ठीक है, एक चेस्ट प्लेट बना दी मैंने आर्मर की, मतलब आयरन की, और अब अगर मैं इसमें, ओह वाओ, नहीं नहीं स्मिथिंग ट्रिम भी चले गया, अपग्रेडिंग टूल भी चले गया, मैं भी जाता हूँ। गाइस यार ये था आज का एपिसोड, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक वाला बटन दबा देना भाई, एटलीस्ट 100K लाइक मेरी दुखी जिंदगी के लिए कर देना भाई। दोनों आर्मर का अपग्रेड भी और ट्रिम भी दोनों गलती से उड़ा दिए, तुम लोगों को आयरन का आर्मर दिखाने की सोच रहा था मैं। मजे आ गए गाइस, तो प्लीज जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना, इट विल मीन अ लॉट गाइस। 5 मिलियन की तरफ को जा रहे, जल्दी से जल्दी करना, 30 डेज 30 वीडियो चार्ज भाई कर देगा, पर तुम लोगों को सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है। तो चलो मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं अगली बार, बाय।